हाँ भाई, तो कहाँ तक पहुंची सालार की बीवी की तलाश? पता नहीं पापा, मैंने तो अब उसके साथ जाना छोड़ दिया है, लेकिन वो बस यही कर रहा है। कभी सोशल मीडिया, कभी सड़कों पे पोस्टर्स लिए खड़ा है, कभी थानों की खाक छान रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहा है। उसके ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वालेकुम सलाम। आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवा दूँ। नहीं ना, मुझे भूख नहीं है। बेटा, ना तुम खाते हो ना कुछ पीते हो, और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर रहते हो। देखो बेटा, हम सब तुम्हारी बीवी को ढूंढना चाहते हैं, मगर थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालो। अपने लिए ही तो वक्त निकाला है अंकल। अदीबा मुझसे अलग कब है? हम दोनों एक ही हैं। एक सच सुनना चाहोगे? जी जरूर। मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, बहुत असर रसूख वाले, जिससे मुझे फीडबैक मिला है कि वतीमा पाकिस्तान में नहीं होगी या इस दुनिया में। अंकल आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, जब शहर की मम्मी की डेथ हुई तो मैं अपनी जिंदगी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, बट टाइम इज अ बिग हीलर, वक्त हर जख्म को भर देता है। वतीमा जिंदा है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन आप सही नहीं कह रहे। मेरा जख्म वक्त के साथ साथ और गहरा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे ना, मेरी तकलीफ में और इजाफा हो रहा है। और अगर वदीमा को कुछ हुआ होता ना, तो मुझे जरूर पता चल जाता। उसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ है उसे? हर ताल्लुक कांटेक्ट का मोहताज नहीं होता। सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुमसे रात में मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बच्चा, हमने तो तुम्हें आज नहीं बुलाया। सर मैं खुद आया हूँ आज। अरे वाह, एक बार जाने के बाद लोग हमारे बुलाने पे नहीं आते, तुम हो के खुद चल कर आ गए। आओ बैठो। थैंक यू। कैसे आना हुआ? सर मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही सही जवाब देंगे। अगर जवाब मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी में देने जैसा हुआ तो। सर क्या ये मुमकिन है कि वदीमा को मुल्क से बाहर ले जाया जा चुका हो? हो सकता है। सर क्या ये मुमकिन है कि वदीमा वतीमा अब तक जिंदा ना हो? ये भी हो सकता है। अब एक बात मैं अब कहूं। जी सर। ऐसा भी हो सकता है कि वो अब तक जिंदा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुल्क में हो। सब कुछ हो सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, शहर में, मुल्क में, मुल्क से बाहर। एक दफा माजिद मिल जाए ना, तो इस केस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।
एक बात याद रखना, तुम पर भी हमारी गहरी नजर है। थैंक यू सर। दुबई का एड्रेस है और कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं। देखो, अगर हम फर्ज कर भी लें कि ये सब कुछ माजिद अंकल ने किया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये इतना पुराना एड्रेस फर्जी नहीं है, या वो अब भी इसी एड्रेस पे रहते होंगे। और समीर इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर ट्राई कर चुका है, ये सब बंद है। तुम कहना क्या चाहती? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिन इदारों को ढूंढना चाहिए वो वदीमा को ढूंढ रहे, और अगर वो अब तक नहीं मिली तो क्या? बोलो। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए। I'm sure जो कुछ किया जा सकता था वो तुम कर चुके हो। नहीं, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है और मैं वो सब करूँ। यहाँ आकर मैंने सब करके देख लिया, वदीमा कहीं नहीं मिली। हो सकता है वो यहाँ है ही नहीं। अब अगर किस्मत मुझे एक रास्ता दिखा रही है, मैं उस रास्ते पर जरूर जाऊंगा। मैं आज ही दुबई के वीजे के लिए अप्लाई करूंगा। जैसे ही वीजा आता है मैं फौरन दुबई चला जाऊंगा और वापसी भी अपने घर जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। I will always remember this. Thank you, sir. आ जाए भाई, बाहर क्यों खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आप मुझे जानते हैं क्या? चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। आपने बताया नहीं, आप मुझे जानते हैं किसी तरह? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। गलबन आप पुलिस वगैरह से होंगे? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा ताल्लुक इनमें से किसी एजेंसी से नहीं है। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। बट मैं माजिद के बारे में ही पूछने आया हूँ। लेकिन आपने तो अभी कहा ना कि आपका ताल्लुक किसी एजेंसी से नहीं है। जी, मेरा ताल्लुक किसी एजेंसी से नहीं है। एक्चुअली मेरा नाम सालार है, मेरी बीवी लापता है और माजिद भी लापता है। मैं उसके दिए हुए घर में रहता था, वहाँ से मेरी बीवी किडनैप हो गई है। तो मैं उसी के बारे में पूछगछ करने माजिद के पास आया था। काफ़ी अर्सा पहले वो अपने किसी एजेंट के थ्रू ही अपार्टमेंट बेच चुके हैं। उनसे डायरेक्ट मैंने नहीं खरीदा, लेकिन दो तीन ऑनर और भी हैं बीच में। आई एम सॉरी, मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता।
थैंक यू। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले लेकिन चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले लेकिन हमको लाखों हजारों से हो गिले लेकिन बेवफाओं से भी बेवफाओं से भी बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है यार ऐसा भी हो यार वैसा भी हो यार जैसा भी हो वो यार ही होता है यार तो यार 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 होता है बेवफा से भी तो प्यार होता है यार तो यार 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 होता है तंग में आ गया हूँ यार रोज कोई ना कोई तुम्हारा पूछने आ जाता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल मत किया करो मैं किसी भी वक्त जेल जा सकता हूँ ये पाकिस्तान नहीं है माजिद लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम एक दो कौड़ी के लड़के से डर रहे हो वो दोबारा नहीं आएगा तुमने जो भी कहा सही कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ